अच्छा भाई यार, बहुत मेहमान नवाज लोग थे, ज़बरदस्ती खाना खिलाया। यही तो मुसलमान की खासियत है कि जहाँ पे भी मेहमान नज़र आए तो खाने की भी दावत देते हैं और अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। तो ये वो जगह है, ये स्नेक टाइप रोड है, ये हम इस तरह चढ़ के आए थे, लोकेशन पे हम पहुँच गए। बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप है, जहाँ से हम आ रहे हैं उसकी भी कोई हाइट कम नहीं है, ठीक है। उसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा है, 3,500 फीट के करीब करीब उसकी हाइट है। तो अल्लाह की फजल से अब नीचे जा रहे हैं, अभी देखते, अभी और भी एक्सप्लोर करना बाकी। अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, अभी तो कुछ नहीं है। इस ऑफ रोड से आपने कभी परेशान नहीं होना, आप कह सकते हैं हाय मज़े मज़े, ठीक है। ये वही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे बनता है। ऑफ रोड जो है टफ हो गई है, राइट साइड से, राइट साइड से। हाँ जी, क्या परेशानी है, क्यों परेशान खड़े हो? A few moments later. मैं ठीक हूँ अमार भाई। नहीं, बच गया। ये क्या गिरा? हाँ, लाइट्स टूट गई। खैर है, टूट गया, अब इसको छोड़ दो। हाँ पर ठीक है, ठीक है, खैर है। अच्छा आपने क्लच पकड़ा हुआ था यार। नहीं, क्लच नहीं पकड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, क्लच नहीं पकड़ा।
हाँ अच्छी खासी शीशे टूट गए, शीशा भी टूट गया। हाँ कह रहे। कौन सा शीशा? हाँ ये शीशा, ये फिर आप क्लच छोड़ दें, क्लच नहीं पकड़ा। इसका ऑयल फिर देख ले, ऑयल नहीं हो रहा, पेट्रोल आ जल्दी से तो ना, ये चीज है इसमें नहीं, वो थोड़ा सा वैसे ही सही नहीं लगा, टाइम नहीं लगा था। क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप है माशाल्लाह, नीचे फार्मिंग वगैरह हुई हुई है और पहाड़ का रिज देखें कि ये बिल्कुल इस तरह सीधा रिज जा रहा है। माशाल्लाह क्या जबरदस्त गांव है यार, अच्छा तो आज तो प्रोग्राम तो टोटली ऑफ रोडिंग का था, जो पहले आपको विलेज दिखाया और अभी विलेज दिखाया, इधर डिफरेंट विलेजेस लोकेटेड हैं मरगला हिल में और उनका क्या खूबसूरत नज़ारा है, ये तो इंसान की अपनी आँख ही बेहतर बता सकती है, कैमरे की आँख में शायद वो चीज़ नज़र ना आए। ऑफ रोड है, आना लोगों के लिए मुश्किल होता है, यकीनन मुश्किल भी है, बाइक आपके पास अच्छा हो तो आप इजीली आ सकते हैं, और मुझे तो यार यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग से ये होता है कि आपकी अपनी ना स्किल्स बेहतर होती हैं, थोड़ा सा बाइक चलाना आपके लिए आसान हो जाता है, थोड़ा सा आप टेक्निक सीख जाते हैं गलतियाँ कर करके, तो ज़रूरी नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते, हम भी गलतियां करते हैं, जैसे मैं अभी गिरा था और ये मेरे मोटरसाइकिल के कान टेढ़े हो गए हैं तो ये तो चलता रहता है। यार ये पत्थरों की दीवार कितनी खूबसूरत लगाई है इन्होंने, ये देखें ये सीधा यूं ऊपर जा रही है, करें इतनी खूबसूरत फार्मिंग हुई हुई है, दरमियान से नाला गुजर है उसी से फसलों को पानी वगैरह लगाते हैं, कितनी सरसब्ज शादाब है, मुझे तो लग रहा है ये गंदम है, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ मगर मुझे गंदम लग रही है जी। तलहाड़ विलेज पहुँच चुके हैं, इंतहाई खूबसूरत विलेज है, रोड यहाँ तक तो पक्की नज़र आ रही है माशाल्लाह, और खेती आपको जगह जगह पे नज़र आएगी, यहाँ पे पानी की मेरे ख्याल से इनको टेंशन नहीं है, साथ जो है वो
अब साफ पानी का नाला गुजर है तो टेंशन नहीं है। करें जिग जैग रोड है और ये दरमियान में दरख्त कितना ही खूबसूरत लग रहा है। क्रिकेट का मैदान सजा हुआ है जी, गर्मा गर्म मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कैच आया और कैच कर लिया भाई ने। जी हम पहुंच चुके हैं नारान खगान पीर सुहावा से, तलहाड़ विलेज से पीर सुहावा गए थे और पीर सुहावा से ये नारान खगान पहुंचे हैं। तो बर्फ़ ढल चुकी है पहाड़ों से, तो वो पहाड़ की टॉप आप देख सकते हैं। और ये सब बातें मैं वैसे ही कह रहा हूं आपको बताने के लिए कि ये खूबसूरत जगहें इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन हैं, आप यहाँ आएँ और विज़िट करें लाजमी। दोस्तों जो आज का प्रोग्राम था वो टोटल ऑफ रोड था। आज हम मरगला को दोबारा एक्सप्लोर करने निकले थे तो कोट जंदान से हम गए थे राजधानी से अभी हम तलहाड़ विलेज पहुँचे हैं। तो जहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं, हमारे भाई ने कहा कि यहाँ की चाय बड़ी मज़ेदार होती है और व्यू पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम यहाँ पर हमने स्टे कर लिया और अभी हम चाय पी रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन आपने ज़रूर दबाना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको मालूमात आती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, कलीम खान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।